सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ए या चलने की नहीं, आर पार करेंगे मामला और हम उठेंगे बिल्कुल भी, और जो होगा देखी जाएगी। नेता भी हमें वोट ले चलते हैं, पहले यहाँ लोकदल वाले भी बहुत आग्रह दे जाओ, सरकार में होगा मैं भी नहीं आते। शासन प्रशासन का वो है, इसमें मील प्रशासन का है, ये गद्दारी कर रहे किसान के साथ, इनका खामियाजा भुगतना पड़ा इन्होंने। पैसे चाहिए और कोई मनसा नहीं है, अरे यार नहीं देंगे फिर भाई बाबा बैठे जो वे करेंगे उनका हम पूरा समर्थन। धरने पर अगर बैठने की बात आ गई तो धरने पर बैठेंगे। और यहाँ वो चलने के लिए आया शामली मिल, यू यहाँ खतुल्ली नहीं है, यहाँ है शामली मिल, ये कर दे कल ठकाने। भाई किसान का मामला बहुत खराब हो गया, ना तो सरकार मानती और ना यू प्रशासन जो है यहाँ बैठा सरकार के थ्रू, यू प्रशासन भी बिल्कुल झूठा हो रहा। किसान भाइयों एक बात सुन लो, यू आर पार का मामला होगा, इब्जा यंता उठे नहीं, आर पार जो बाबा हुक्म देंगे वो होगा, और अगली रणनीति वही होगी, गेट पे ताड़ा लगेगा और इन्हें बाहर काटे जाएंगे और पैसा लेकर जाएंगे, आर पार लड़ेंगे। टाइम तो थोड़ा है, टाइम तो थोड़ा है, लेकिन उन्हें जो है किसान हमारे खात लेने जावा, नैनो बांधे क्यों बांधे हैं, नैनो वा नोट करो, क्या मतलब हमें नैनो चाहती नहीं, हमें खाद चाह जबरदस्ती दे हुए नैनो, या भी नोट करो एक बार। और रही बात अगली लड़ाई की, इब काम चलने का नहीं, पहली बार धरने धर लिए, चिप धर लिए, और एक मामला और हो रहा, ये जो बार बार हमने तो धरी थी 31 तारीख, एक ग्रुप ने धरती कह लगा 21 तारीख धरती, और घोर बढ़ा दी, एक ने धरती एक महीना बढ़ा दिया, ए या चलेंगे नहीं, और आर पार करेंगे मामला, और हम उठेंगे बिल्कुल भी, और जो होगा देखी जाएगी, और इरादा कर लो, चक्कर में ना बढ़ाओ, ये चक्कर दे रहे थे पहले भी चक्कर दे लिया, अब भी चक्कर दे लिया, चक्कर चलने वाला नहीं, और मिल वाला आर पार नाम धरे तो बात करते, हमें कद कूदोगे, कद छोड़ दो, कद छोड़ दो, हमें तो पैसे जान, जिस टाइम मोबाइल में हमारे पे वो आ जाएगा, जिप धरना उठेगा, नहीं धरना चलता रहेगा। जय हिंद जय भारत। हमने एक लड़ाई नहीं, हमने लड़ाई 3 बार लड़नी पड़ेगी, या लड़ाई हमने सीजन में भी लड़नी, लट्ठा में लट्ठा भी होने हैं हमारे, आज बोल का जा रहा मैं, आप सब किसान भाई हो देख लो, यहाँ अगर 5-4 का सिर ना फुटे लिख लो इस बात ना, आज क्यों ये तिरवेणी ग्रुप वाले चला, मैं अपनी ये अपनी बात पर चले, इन्होंने 30 तारीख लोग आता, 30 तारीख लोग पेमेंट दिया आयु ना, अभी ये किसी की मानते नहीं ना, किसी ने किसानों ने मान देना, किसी नेता ने मान देना, किसी सरकार ने मान दे, और यहाँ वो चलने के लिए आया शामली मिल, यू यहाँ खतुल्ली नहीं है, यहाँ है शामली मिल, ये कर दे कल ठकाने। किसान जो है बिल्कुल परेशान है, किसान तो ज्यादा परेशान इस दुनिया में कोई नहीं है, नेता भी हमें वोट ले चलते हैं, पहले यहाँ लोकदल वाले भी बहुत आग्रह दे जाओ, सरकार में होगा मैं भी नहीं आते। नहीं वे नहीं आते भैया, जोर से आ रहे थे बापा जी, हाँ मिल में ही बोला तो करे बात, वह आने का वह भी आने का तारीख दे जाए, वहां मिल में एक दिन हमें बड़ा जागा भाई हाथ हम दे दो 25 तारीख लो, चलो कोई बात नहीं। तो ये किसानों की लड़ाई तो भाई किसानों ने खुद ही लड़नी पड़ेगी, अगर खुद तो तुम तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए, और थरा पीसा हो गया 4 दिन में, और जो तुम नहीं तैयार हो तो भाई मिल चले लो, थरा पीसा मिलेगा, उसको पहले कोई जोर नहीं है, दो वाला है पेमेंट की वजह से बैठा धरने पर, पेमेंट नहीं दे रही फैक्ट्री, बहुत परेशान है किसान, क्या करे, मैं कर्जे में डूब रहा, अपना क्रेडिट कार्ड नहीं बढ़ सकता जो कर्ज है किसान पे, भाई सोसाइटी तो अपना ब्याज ले ले, मान लिया खात लेगा किसान या कुछ भी चीज़ लो तो ये तो ब्याज अपना मुकलमन कर दे, और किसान पर कोई ब्याज नहीं है भाई, किसान का मान लिया साल भर रख लो, 2 साल रख लो, कोई ब्याज नहीं है, कहीं 2 दिन का दे दे, 3 दिन का दे दे, अगर किसान का क्रेडिट कार्ड है वो उस पर पैसा नहीं भर सकता, अपना कर्जा वो नहीं कर सकता,
तो कैसा किसान का काम चला था, तो सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन लगातार देखा जाए शामली के किसान या शामली तीनों जी जितनी मिले है, लगातार किसान धरने पर बैठता है लेकिन उसकी मांग नहीं माननी जाती, तो ऐसा क्यों हो रहा भाई? मैं लोगों शासन प्रशासन का वो है, इसमें मिल प्रशासन का है, ये गद्दारी कर रहे किसान के साथ, इनका खामियाजा भुगतना पड़ा इन्होंने भाई, सीट हार के, और आगे भी जो ऐसा होगा आगे भी हारेंगे भाई। किसान का ही तो वो यहाँ से नुकसान सरकार को, किसान नाराज था भाई। बात सुन, मिल बिक गया जी, इस पर पैसे इनते पैसे से तो मिल खरीदा होगा जी, भी अपनी प्रॉपर्टी तो बना सके, किसानों को पैसा देने में क्या दिक्कत बन रही? किसानों को पैसा नहीं दे रहे, जब किसानों को पैसा नहीं दे रहे फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है किसान को तो। और बताओ बाकी देखा जाए तो कितना लगभग कितने करोड़ जो है शामली मिल पर जो है बकाया है भाई? ब्याज सुधन बता रहे 262 करोड़ बता रहे थे। हाँ तो क्या लगता है आज क्या फैसला जो है यहाँ पंचायत में लिया जा सकता है? आप किस मन से आए हो? हम तो नु मन से आए भाई, किसानों का पेमिट हो जा और बात सुनिए, अपना मिल चला फिर किसानों को उनका पैसा मिल जाओ, और तो कोई मनसा हमारी है नहीं, क्योंकि हमें तो अपना पैसा चाहिए। मनसा कहाँ चल रही, मनसा तो बीड़ी तो मिल नहीं रही साड़ी बिना पैसों के, बच्चों की फीस नहीं जा रही, पैसे चाहिए और कोई मनसा नहीं है। अरे यार नहीं देंगे फिर भाई, बाबा बैठे जो वे करेंगे उनका हम पूरा समर्थन। धरने पर अगर बैठने की बात आ गई तो धरने पर बैठेंगे। ब्याज ले रहे हमारे गन्ने का, ब्याज कमा रहे भाई, हमें देना चाह रहे, बेईमान है साले, अपनी तनख्वाह क्यों नहीं रोकते ये? अपनी तनख्वाह रोको जब ज्ञान होगा, इनका बच्चे कुकर पड़े कुकर नहीं, अपनी जब तनख्वाह रोक के जी बच्चों को जब देखो ये कुकर पड़े नहीं पड़े, किसान तो फिर भी पढ़ रहा पड़े, पैसा दे रहा 2 साल का रुक रहा था, कहीं दिया पहले कर दिया साड़ू ने। हाँ जब पहले भी धरने हुए बहुत सारे और आज भी जो है पंचायत हो रही है, तो क्यों किसान की बातें नहीं मानी जा रही है, उनको इतना परेशान की? एक बेईमान कोई फेंक जाए वो मानता ही नहीं किसी की। हम मान लो हमने तुम्हारा ले लिया या देने की ना चौक हो, पंचायत कर लो, परेशान करने की बात है तो। हाँ आज ऐसा नहीं होने का भाई, तारीख देर चल दिए, इस बात का आश्वासन दे रहे हम, ये आज कोई कठोर निर्णय होगा भाई। किसान का मामला बहुत खराब हो गया, ना तो सरकार मानती और ना यू प्रशासन जो है यहाँ बैठा सरकार के थ्रू, यू प्रशासन भी बिल्कुल झूठा हो रहा। पिछले साल एडीएम ने साइन कर दिए जिस कागज पे, वो भी हमारा पूरा नहीं हुआ। डीएम के पास भी मीटिंग होली, एडीएम के साथ मीटिंग होली भाई, सारा मामला मिली भगत का चल रहा, मिल वाले उनते मिल रहे बस, सारा मामला ढुलमुल हो रहा। हमारी धरना समिति ने या पंचायत बुलाई, यो प्रयास किया बापाओं के निर्देशन में, लेकिन इसी के अनुसार अगर मान लिया मिल वाले नहीं चेतते, अगर प्रशासन नहीं चेतता, तो मैं कहूं कि भारतीय किसान यूनियन भी कोई ठोस निर्णय ले ले, और हम भारतीय किसान यूनियन जिंगे को चलेगी, हम जय बोलते हैं उनके पीछे को चलेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है बिल्कुल।